हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स के बारे में। सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों के यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या इंग्लिश लगी, किस प्रकार काम करता है। तो सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट की या आप ही आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। स्वागत है सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप, जो कि हमारे पास 10 ml का नेजल ड्रॉप है, जिसकी MRP की बात करें उसकी MRP टाइम के साथ चेंज हो जाती है। आज जो हमारे पास नेजल ड्रॉप है उसकी MRP 112 रुपये के करीब सी MRP है। सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स को सेंट्रल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें, उसके अंदर कंपोजिशन से ऑक्सीमेटाजोलिन्स हाइड्रोक्लोराइड्स 0.25 mg इसके अंदर डाले गए हैं। सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल शिशुओं और बच्चों में बंद नाक को खोलने में मदद करता है। नाक की भीड़ को कम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स के कुछ बेनिफिट्स। सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल बच्चों और शिशुओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल सामयिक डिकंजेस्टेंस के रूप में कार्य करता है, बंद नाक और साइनस को साफ करता है, असामाटिक प्रभाव के माध्यम से सूजन और जलन को कम करता है, बंद नाक साइनसाइटिस और राइनिटिस के कारण होने वाली असुविधा और निष्क्रियता को कम करता है, श्लेष्मी झिल्ली से एलर्जी को समाप्त करता है, नाक की झिल्ली के साथ संगत है जिससे एलर्जी को रोका जा सके, नाक की श्लेष्मी झिल्ली में सूजन और जलन, सूखी नाक की झिल्ली की नमी बहाल करता है, सूखी पपड़ीदार नाक की झिल्लियों को आराम पहुँचाता है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में बंद नाक को खोलने में मदद करता है। सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो शिशुओं में प्रत्येक नॉस्ट्रिल में एक बूंद डालें, और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रत्येक नॉस्ट्रिल में 2 से 3 बूंद डालें, और ये नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल अपने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर या पेडियाट्रिशियन डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करी। अपने मन से सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करी तो सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स के बारे में कुछ भी डाउट हमें कमेंट सेक्शन बताइए। सिनारेस्ट पीडी नेजल ड्रॉप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो को एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।